हेलो डियर स्टूडेंट, ये जो है 2 दिन पहले शीट मेटल की जो है सर्कल कटिंग मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो है मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सर्कल कटिंग से जो काम नहीं होता है या फिर स्निप से जो काम नहीं होता है वह मशीन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस मशीन का जो उपयोग है वह इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उसको कहते हैं स्क्वेयरिंग शीयर्स, तो स्क्वेयरिंग शीयर्स के नाम में ही स्क्वेयर ऐसा नाम है। तो स्क्वेयरिंग शीयर जो सर्कल कटिंग मशीन या फिर स्निप से जो कटिंग नहीं होती है वह जो है बड़े पत्रे वहाँ पे काटे जाते हैं। तो अगर उसके बारे में देखा जाए तो ये जो डायग्राम के जो मैंने डायग्राम निकल के रखा है यहाँ पे, ये डायग्राम के हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में करते जाएंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट जो मशीन है इसको कहते हैं स्क्वेयरिंग शीयर, और यहाँ पे जो लगा है ये जो पार्ट स्क्वेयरिंग गेज, स्क्वेयरिंग गेज का जो मीनिंग है, जो स्क्वेयरिंग गेज यहाँ पे ये मशीन पे लगा है तो शीट जो है एक साइड से अगर प्रोफाइल कटिंग है, प्रोफाइल कट है, और दूसरे साइड से प्लेन है, तो ऐसे वह ये जो शीट यानी ऐसे ये जो है स्क्वेयरिंग गेज को लगा देंगे, और इधर का जो पोर्शन है ये जो गेज से अपन अगर शीट होल्डर जो है ये यहाँ पे हो गया, फ्रंट गेज जो है फ्रंट गेज पे मार्क करके यहाँ पे ऐसा फ्रंट गेज पे मार्क कर देंगे, लगा देंगे, और पीछे में एडजस्टेबल बैक गेज जो है वो भी है, तो फ्रंट गेज पे यहाँ पे मार्क करेंगे और शीट को कटिंग कर सकते हैं। तो 90 डिग्री में ये जो गेज है स्क्वायर गेज और यहाँ का जो ब्लेड है इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद में है शीट होल्डर, शीट होल्डर का जो काम है ये जो शीट है यहाँ पे अगर ऐसी सरका दिए यहाँ से अंदर डालते और कटिंग करते हैं ऐसे वक्त, शीट होल्डर का काम है यहाँ जो एडजस्टर जो है एडजस्टर से उसको होल्ड करके पकड़ के रखते हैं शीट को, और फुट से जो है फुट थ्रेडल जो है यहाँ पे अगर फुट से अगर ऑपरेट करेंगे तो जोर से कट होके ये जो प्रोफाइल का जो टुकड़ा है ये अलग हो जाएगा। उसके बाद में आता है क्रॉस हेड, ये जो है मशीन के अपर साइड में होता है ट्रायंगल के शेप में, तो इसको कहते हैं क्रॉस हेड। फ्रंट गेज आपको मैंने बता दिया, एडजस्टेबल बैक गेज जो है तो कुछ वक्त ऐसा होता है कि बैक साइड से यह जो शीट है बैक साइड से इन साइड में डाला जाता है, ऐसे वक्त फ्रंट गेज का उपयोग करते हुए बैक गेज और फ्रंट गेज इसके दरमियान ये जो ब्लेड है इसका डिस्टेंस लेके मशीन से फुट थ्रेडल से ऑपरेट करके उसका उसकी जो शीट है जो अपने को जितना जितना साइज चाहिए उतनी ही शीट कटिंग की जाती है। उसके बाद में बेड एडजस्टेबल स्क्रू, इसको कहते हैं बेड, ये जो है दो स्क्रू है जो अपोजिट साइड में भी, तो इसका जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बेड का जो एडजस्टमेंट जो है आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पूरी जो मूवमेंट होती है वो जो ब्लेड जो है ऊपर नीचे जो होता है फुट थ्रेडल से ऑपरेट करने के बाद जिसका मूवमेंट होता है टेंशन स्प्रिंग से, टेंशन स्प्रिंग का काम है कि उसको नीचे दबाया जाए और छोड़ने के बाद वो पूर्ववत आता है, और ये जो आउटर साइड में जितनी भी दिख रही है क्रॉस हेड तक इसको कहते हैं फ्रेम, ये जो है फ्रेम पूरी की पूरी एमएस मटेरियल से बनाई जाती है, और इसका जो ब्लेड है जो यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा उसका जो एंगल है मैंने नीचे देख रखा हूँ, तो ये हो गया अपर ब्लेड, ये हो गया लोअर ब्लेड, इसका जो है जो एंगल होता है वो जो है उसको कहते हैं रेक,
रेक्टेंगल, और ये जो है अपर ब्लेड और लोअर ब्लेड, इसके अंदर अगर शीट डाली गई, अगर इसका एंगल, इसका जो डिस्टेंस जो है अगर ज़्यादा रहा तो शीट ऐसी मोड़ जाएगी, कटेगी नहीं। अगर इसका क्लियरेंस जो है कम कर दिए तो वो जो है कटिंग खराब हो जाएगी। और अगर प्रॉपर ऐसे इसका क्लियरेंस रखते हैं तो शीट शार्प कटिंग होगी, जिसका उपयोग शीट मेटल सेक्शन में करना बहुत जरूरी है। यही मशीन को अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर यूज किया जाता है तो वह है बस बॉडी सेक्शन में। जब बस बॉडी सेक्शन में, यह हो गया फुट ऑपरेटेड, ये फुट थ्रेडर जिसको कहते हैं, ये हो गया फुट ऑपरेटिंग। लेकिन यहीं पे अगर मोटर फिट करके अगर जो काम करते हैं तो वह जो है इसको कहते हैं सेंट्रल वर्कशॉप, सेंट्रल वर्कशॉप, यहाँ पे बस बॉडी तैयार की जाती है। तो बस बॉडी तैयार करते वक्त तो वहां पे लगता है एल्यूमिनियम शीट, और एल्यूमिनियम शीट की जो थिकनेस होती है वो 3 मिलीमीटर। ये जो है फुट ऑपरेटेड, इसमें 18 गेज यानी 1.24 मिलीमीटर तक कटिंग किया जाता है। अगर इसके अंदर रॉड या फिर एंगल या फिर अगर दूसरा 18 गेज के ऊपर, 18 SWG के ऊपर अगर कटिंग करते हैं तो ये जो ब्लेड है या ब्लेड में ब्लेड खराब हो जाएगा। तो ये खराब ना होने के लिए ये जो 18 SWG या फिर 1.24 मिलीमीटर इस शीट के, शीट से ज़्यादा थिकनेस की शीट यहाँ पे काटी जानी नहीं चाहिए। अब सेंट्रल वर्कशॉप में यही मशीन यूज होती है, जो मशीन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिक की मोटर फिटेड होती है और जो 3 मिलीमीटर तक कटिंग की जाती है। तो ये स्टूडेंट, ये जो है ये स्क्वेयरिंग मशीन, ये कोरोना के चलते आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए एक मेरा प्रयास है कि शीट मेटल सेक्शन के जो स्टूडेंट है या फिर अदर सेक्शन के जो स्टूडेंट है जो ITI के, उनको समझ में आना चाहिए, उसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इसका एक ये जो है सेफ्टी प्रिकॉशन है, सेफ्टी प्रिकॉशन में ये जो स्प्रिंग है, उसके बाद में यहाँ पे जो स्क्रूज है या फिर जो ब्लेड्स है, इसका मेंटेनेंस प्रॉपरली वक्त पे वक्त करते रहना चाहिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे जो शीट होल्ड करने के लिए है, तो यहाँ पे दूसरा वर्क नहीं करना चाहिए, या फिर मैलेट से वर्क नहीं करना चाहिए, या हैमर से वर्क नहीं करना चाहिए। ये जो बेड है, बेड पे कोई भी चिजलिंग क्रिया नहीं करनी चाहिए, आदि इसके सेफ्टी है। और आप कोरोना के चलते अच्छे रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मैं भेजूंगा मशीन के बारे में। सबसे पहले ये सब वीडियो जो है शेयरिंग के बारे में थे, और स्टेप बाय स्टेप आपको भेजते रहूँगा। थैंक यू।